विचारधारा बदलती है, मतलब पार्टी बदलती है, या बराबर में कोई अगर इमरान मसूद खड़े हैं तो इंशाल्लाह कहना पड़ेगा, वहां आप राम का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि इंशाल्लाह कहने से इस बार आपको वोट मिलेगा? स्वागत कर रहे थे जय श्री राम बोल के, उन्होंने तो कोई बीजेपी का ऐसा कोई नारा तो था नहीं वो वीडियो में जो दिखा, फिर आपने कहा कि भाई इस तरह के नारे लगा रहे हैं तो ये सही नहीं है, मैं बीजेपी के कैंडिडेट को घुसने नहीं दूंगा, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नकुड़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं, कैसा उनका ये चुनाव है। धर्म सिंह सैनी जी, बहुत स्वागत आपका हेडवाइंस इंडिया पर। धन्यवाद आपका। लगभग 5 महीने बाद हम दोबारा आमने सामने हुए, इस अब तो गुस्सा आपका शांत हो गया नहीं आपका? धर्म सिंह सैनी जी, आप भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसा आपका चुनाव चल रहा है? चौहान साहब, मेरा चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, एक तरफा चुनाव है, कोई मुकाबले में नहीं है और हम भारी भरकम वोटों से जीतने जा रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आपने 5 साल आप मंत्री रहे और आखिर में आपने पार्टी छोड़ी, आपने कहा कि जो पिछड़े थे, शोषित थे, वंचित थे, उनका मैं उद्धार नहीं कर पाया, मुझे मौका नहीं दिया गया और आखिर में आपने पार्टी छोड़ी, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मंत्री के रूप में आपको काम नहीं करने दिया, या आप इसमें अच्छे काम नहीं कर पाए, या मंत्री के तौर पर आप यहाँ पर फेल रह गए इस सरकार में? चौहान साहब, दरअसल पूरे 5 वर्ष जो ऐसी समाज के या पिछड़े वर्ग के मंत्री थे या विधायक थे, उन्हें कोई किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। हम लोग अपने विभाग में कुछ किसी तरह से कोई काम नहीं कर पा रहे थे। इसी का नतीजा यह था कि 2 वर्ष पहले लगभग 140 विधायक और मंत्रियों सहित विधानसभा सत्र चलते हुए विधायकों मंत्रियों ने धरना दिया था सरकार के खिलाफ, लेकिन उससे सरकार में सुधार आना चाहिए था, इसलिए वो आवाज़ उठाई थी, परंतु सत्ता के दबाव में आकर के उनकी जबान बंद कर दी गई थी। और जब ही से ये सिलसिला शुरू हो गया था कि अब इस दल में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि जिसमें हम कम से कम दलितों, पिछड़ों का उद्धार न कर सकें, उनकी बात न रख सकें, उनका समाज में वो सुधार न कर सकें, तो ऐसे दल में, ऐसी पार्टी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो 9 से लेकर और 17 तक हम नहीं कर पाए उन दोनों सरकार में, वो इन 5 साल में मैंने मंत्री के तौर पर किया है, आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ, हमने लोगों का भला इस सरकार में यहाँ पे मंत्री के नाते मैंने पर्सनल तौर पे किया, क्या आप भी मानते हैं कि मंत्री के नाते आपने कुछ अच्छे काम किए हों? नहीं, देखिए, मेरे पास 3 विभाग थे, तो उसमें जो एक विभाग था उसमें मुझे करने का मौका मिला है, उसमें मैंने किया है, लेकिन जो FSDA मेरे पास में डिपार्टमेंट था उसमें मुझे करने का कोई अधिकार नहीं था, और मेरे पास कोई फाइल नहीं आई, मेरे से कोई अधिकारियों की कोई मीटिंग नहीं हुई, और यहाँ तक के विधानसभा सत्र में जो प्रश्नोत्तरी होती है उसका भी मुझे, मैं अधिकृत नहीं था, उसके लिए भी एक अन्य दूसरे मंत्री अधिकृत थे वहाँ प्रश्नोत्तरी के उत्तर देने के लिए। धर्म सिंह सैनी जी, अब तो आप लगातार प्रचार में जुटे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी बदली तो क्या विचारधारा भी एकदम से बदल गई? पहले तो आप जय श्री राम का नारा खूब लगाते थे, लेकिन अभी हमने एक सभा में आपको देखा तो आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, मैं घुसने नहीं दूंगा, मतलब वो तो किसी पार्टी का नारा नहीं था, जय श्री राम था। क्या आप अब जय श्री राम नहीं बोलते क्या? नहीं नहीं, आपने वो वीडियो पूरी नहीं सुनी, आपने केवल जो विपक्षी दल के लोग हैं उनकी जो एडिट की हुई वीडियो है वो केवल आपने वो सुनी है। पहली बात तो मेरी विचारधारा पहले भी भारतीय जनता पार्टी में भी रहते हुए सब सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नकुड़ ब्लॉक से मुस्लिम समाज का व्यक्ति को समर्थन देकर के प्रमुख बनाया था, तो मेरी विचारधारा सब वर्ग के हिंदू मुस्लिम समाज के सभी साथियों को लेकर के चलने की थी, और वो सब मेरे पास आते जाते थे, उनके मैं जितना भी जो भी मेरे से संभव हो सकता था मैं उनकी मदद करता था। रही बात जय श्री राम के नारे की, जय श्री राम कोई किसी दल का, किसी समाज की बपोती नहीं है, भगवान श्री राम वो सबके हैं, और उस दिन भी वो ये बात हुई थी कि हम जब वहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, हमने कहा भाई आप हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो जाने तो उसके बाद नारा लगाइएगा, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को बाधित करने का किसी को भी हक नहीं है, आपके नेता आएंगे आप उनके साथ करिएगा जैसे भी है,
यहाँ प्रोग्राम समाजवादी पार्टी का चल रहा है, जय श्री राम। आपका स्वागत कर रहे थे जय श्री राम बोल के, उन्होंने तो कोई बीजेपी का या ऐसा कोई नारा तो था नहीं वो वीडियो में जो दिखा, फिर आपने कहा कि भाई इस तरह के नारे लगा रहे हैं तो ये सही नहीं है, मैं बीजेपी के कैंडिडेट को घुसने नहीं दूंगा, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहननी। नहीं नहीं नहीं, वो तंज में वो कर रहे थे और वो वजह ये थी, मेरे से नाराज नहीं थे, वो वहाँ का जो कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को करा रहा था उससे उसकी उनकी नाराजगी आती। फिर वो मेरे पास आ गए, सब लोग आए, उनके गार्जियन लेकर के आए और वो अब संतुष्ट हैं, कोई इस तरह की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये हमारी आप अपनी नाराज़गी थी, जो वर्कर आपका कार्यक्रम करा रहा था बच्चों की, उससे नाराज़गी थी, लेकिन हम मंत्री जी आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। मंत्री जी अभी कल फिर देखा तो मतलब जैसे विचारधारा बदलती है, मतलब पार्टी बदलती है, या बराबर में कोई अगर इमरान मसूद खड़े हैं तो इंशाल्लाह कहना पड़ेगा, वहाँ आप राम का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इंशाल्लाह कहने से इस बार आपको वोट मिलेगा राम से नहीं? आपकी बुआ जी मरगांका जी का चुनाव था उपचुनाव, उसमें मैंने मुस्लिम समाज के लगभग 5,000 लोगों के करीब इकट्ठा करके केशव मौर्य जी का कार्यक्रम करवाया था। वो इंशाल्लाह जो जब भी थी आज भी है वो रहेगी। अगर मान लीजिए ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आज भी, मैं केवल आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि राम क्या केवल उन्हीं के हैं क्या? और केवल अगर उन्हीं के हैं तो वो बता दें किसके बच्चे का नाम लव और कुश है, जो श्री राम के बच्चों का नाम था। मेरे दोनों जो बच्चे हैं छोटे वाले, उनका लव और कुश नाम है, मेरे आवास का देखेगा लव कुश वाटिका लिखा हुआ है, आपके सामने है। तो इससे कोई आवाज़ उठाने, इमरान मसूद खड़े थे तो जरूरी था या मजबूरी थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो मैं बार बार कहूँगा अल्लाह ईश्वर एक है। अगर आप बांटना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटना चाहते हैं, तो हम बंटने नहीं देंगे, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्लाह ईश्वर को बांट करके वोट लेने का प्रयास करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो वैज्ञानिक माना गया, मौसम वैज्ञानिक, आप भी उनके साथ रहे, वो जहाँ गए आपने भी अपना पाला बदला, इस बार मौसम कैसा दिखाई दे रहा है? अभी तो फिलहाल ठंड है, क्या कुछ आपको बदलता दिख रहा है? 300 पार समाजवादी, अखिलेश यादव 10 मार्च का मुख्यमंत्री, तो मौसम आप देख लीजिएगा कोई सा भी हो। आप लोगों पे थोड़ा सा सरकारों ने टाइट सिकंजा किया हुआ है, इसलिए दबी जुबान में आप भी हमारे समर्थन में कह रहे हैं कि सरकार अखिलेश जी की आ रही है, और आपका धन्यवाद। सर्वे तो कुछ और दिखा रहे हैं, चलिए वो तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन एक आखिरी सवाल धर्म सिंह सैनी जी, आपको भी लेट हो रहा है जाना है। चिलकाना में सुधीर सैनी नामक एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, क्या आज आप उस परिवार को भरोसा दिलाएंगे कि इस चुनाव के बाद आप उसके परिवार को या अभी से आप पैरवी करेंगे जिन लोगों ने उसे मारा, कि कड़ी से कड़ी सजा मिले? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे मंत्री जी भी हमारा साथ नहीं दे रहे जो लगातार हमारे साथ पहले खड़े रहते थे, आखिरकार क्या मजबूरी है? आपको मालूम नहीं, मैं उसी दिन उनके परिवार में गया था, तिलुराम सैनी जी उस बच्चे के फादर हैं, उनसे मैं मिला था, मेरे वो रिश्तेदार भी हैं। आज आचार चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इससे मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हो सकेगा उसके लिए सरकार हमारी आ रही है, जितना भी हो सकेगा व्यक्तिगत भी और वैसे भी उनके लिए किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सिंह सैनी जी, जो बड़ी बेबाकी से बोले कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।